Very excited. This is not a concert, and I was also in the Coldplay concert, and I would like to do a good concert soon again. But ye concert to hai nahi, but this is the release of an album, which hopefully the music then I'll finally play for you in the concert. So very excited. Friends have come, everyone's come, sab log aa rahe hain to support the cause. It's beautifully done. Very thankful to all of the guys, my friends, One Digital, Savan, everyone's involved. Thank you so much. तो इसमें बेसिकली ईपी इसको बोला है हमने. एक्सटेंडेड प्ले होता था एक ज़माने में, एलपी होता था लॉन्ग प्ले, वो रिकॉर्ड प्लेयर्स विनाइल. तो ईपी में छोटे होते थे, उसमें चार गाने होते थे, तो इसमें भी चार गाने हैं. एलपी ईपी हमने प्रेस करने की कोशिश की, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम फ्यू वीक्स, बट इट्स द फर्स्ट ईपी ऑफ द एल्बम. तो दो ईपी तो कम से कम निकलेंगे. गाने इतने हो गए थे, हमने सोचा कि वी शुड जस्ट टेक इट आउट इन लॉट्स, कि थोड़े थोड़े गाने निकालते. अब चार गाने इसमें हैं और चारों बहुत डिफरेंट गाने हैं, तो बोलना मुश्किल है कि क्या स्टाइल में है. चारों ऐसे गाने मैंने पिक किया जो मेरे डिफरेंट जोन्स हैं, जिसमें मैं इन्जॉय करता हूँ अलग अलग तरह के. एक में रेगे वाइब है, जो काफ़ी फंकी रेगे है. एक ट्रैवल का गाना है, बहुत अच्छा ट्रैवल गाना है, लगता है कि ये ट्रैवल का गाना है. फॉर माई लाइफ आई वॉन्टेड मेक वन, ये ऐसा है. एक पुराना कवाली है अमीर खुसरो साहब का, बहुत लोगों ने गाया है, तो आई जस्ट पेस्टेड अप अ लिटिल बिट. एंड आज के यू नो जेनरेशन के लिए, तो मेरी लिटिल यू नो आज के साउंड के साथ आई टुक टाइम टू अंडरस्टैंड इट. तो गाने भी बहुत मज़ा आया, जिस लय में हमने तय किया द टेम्पो. एंड देन देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इज अबाउट वन अकॉर्डियन, वन मैंडोलिन एंड मी. इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग. मैं अभी आइफा के लिए गया था मड्रिड स्पेन, तो वहाँ पे काफ़ी सुन के इंस्पायर्ड हुआ अकॉर्डियन. और मेरे पिताजी के बैंड में अकॉर्डियन होता था, तो सब मिला जुल के लाइक यू नो आई मेड दिस सॉन्ग. तो फोर सॉन्ग्स देयर बेसिकली. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा फिलहाल? ये सावन पे होगा 2 महीने के लिए, एंड देन उसके बाद हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा. बट आजकल सब डिजिटल ही है, क्योंकि सीडी तो है ही नहीं, अब टेप तो कब का चला गया, तो सब डिजिटल ही होता है आजकल. सर इसके अलावा आपको कैसे आइडिया आया, मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिला ये एल्बम बनाने के लिए, कुछ बताना चाहेंगे इसके पीछे की क्या स्टोरी? मैं बनाता आया बहुत दिनों से मैं बना रहा था. ये मुझे आई थिंक इट टुक मी 3 इयर्स, और 3 साल में आई हैव बीन ट्रैवलिंग. तो मैं इंस्पायर्ड था, मुझे ये देखना था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफ़ी टाइम लिया. और अपने बाकी शोज़ के बीच में, बॉलीवुड सॉन्ग्स के बीच में टाइम निकाल निकाल के, जब भी मौका मिलता है अपना गाना बनाने में अच्छा लगता है. पूरे देश भर में इतने म्यूजिशियंस हैं, तो हमें मुझे भी लगता है कि यू नो एक म्यूज़िक का भी सिर्फ इंडस्ट्री हो, जो सिर्फ म्यूज़िक बनाई नहीं कि सिर्फ फिल्म के लिए ही हो, वैसे भी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जो बाहर देश में देखा जाता है. सो एल्बम बनाते हैं, इंडिपेंडेंट खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, तो वो पहले से मैं था भी ऐसा. तो बहुत दिनों बाद किया, सब लोगों ने इंस्पायर किया कि बहुत अच्छा हो रहा है करो. म्यूजिशियंस फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, एवरी वन हैज़ कम इन हेल्प मी, इनको इनकरेज मी, तो करते करते यहाँ पहुँच. इसके अलावा आजकल सिंगल का दौर चल पड़ा है, तो मतलब जो जूने गाने हैं उन्हें रिन्यू करके पेश किया जा रहा है, तो ऐसा कोई गाना जहन में है जो आप प्रेजेंट करना चाहें? एक्चुअली इस एल्बम में वो मतलब ज़रूरी नहीं है वो करना है, वो मतलब बीच में चला था बहुत, बट अभी ज़रूरी नहीं. बट मैंने एक गाना किया है जो एक कवाली है, वही मैंने बोला अमीर खुसरो साहब का पुराना कवाली है, और उसको मैंने थोड़ा सा जैज एंड पॉप स्पेस में लाया, और मुझे गाने में बहुत मज़ा आता है उस तरह का गायकी, और मॉडर्न जनरेशन के लोगों के साथ लाना चाहता था सामने. सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस. दो लाइनें अगर गुनगुनाएं क्या क्या गुनगुनाएं? एनी ऑफ योर कंपोजिशन ऑफ दिस एल्बम व्हिच यू वुड लाइक टू प्रेजेंट और गिव अ हाईलाइट अ पीक स्निप पीक. अब मुश्किल है, अब कौन सा गाना दूं मैं, हेलो कौन सा गाना दूं अभी मुश्किल है. तो मैं सोच रहा हूं, हां गजल सुनना चाहते हैं? अच्छा, फिर मैं जो कवाली मैंने दिया है उसी को सुनाता हूँ, थोड़ा क्लासिकल मोड में. एरी सखी मुरे पिया घर आए, एरी सखी मुरे पिया घर आए, आग लगे इस. फिर से गाता हूँ मैं, एक शब्द गलत हो गया. एरी सखी मुरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को.
ए रे सखी मोरे पिया घर आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस.